नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन के तृतीय सेमेस्टर विषय हिंदी से अध्याय है एक, कवियों एवं लेखकों का समान परिचय। ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ऑडियो आर्टिकल में महत्वपूर्ण प्रश्न ही दोहराए जाते हैं तथा बोले जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं तुलसीदास जी कौन थे तथा इनकी रचनाओं के बारे में। तुलसीदास ने विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। आपने छोटे और बड़े दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। कुछ विद्वानों ने आपके ग्रंथों की संख्या 31 के लगभग बताई है, किंतु प्रमाणिक रूप से आपको रचनाओं की संख्या 12 ही है, जो इस प्रकार है। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य में क्या है? रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लला, नहचु। अगला है मुक्त काव्य। मुक्त काव्य में कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु। अगला है गीत काव्य। तो गीत काव्य में है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। आगे है तुलसीदास का साहित्य में क्या स्थान है? हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को वही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास का है। जब तक भारतीय साहित्य का अस्तित्व तो है, जब तक गोस्वामी तुलसीदास का नाम अमर रहेगा। उनकी काव्य की प्रशंसा तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से की है। जॉर्ज ग्रियासेन ने तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा जननायक कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन उचित ही लगता है। यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अब कुछ दूसरे कवि के बारे में जान लें, जैसे कबीर का जीवन परिचय के बारे में। तो कबीर जी की जीवन परिचय महात्मा कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञान सराई शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जन्म संवत 1455 में वाराणसी में और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई थी। कबीर के साहित्य में क्या स्थान है, यह भी जान लें। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। वे अखंड व्यक्तित्व से युक्त लापरवाह और मस्तमौली फकीर थे। वे मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं और जन्म से हिंदू होते हुए भी विरक्त और विरक्त होते हुए भी गृहस्थ थे। कबीर ने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और पंडितों को उनके ब्राह्मण के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही एक दृष्टि से देखा परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। कबीर कभी पीछे पहले समाज सुधारक थे। उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए, जो आज भी केवल बनारस में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। अब आगे हम सूरदास की रचनाओं के बारे में जान लें, इनके बारे में कुछ परिचय हैं। सूरदास की वैसे तो अनेक रचनाएं का उल्लेख किया जाता है, पर अभी तक इनकी 3 रचनाएं सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये 3 काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है सूर सागर। इनमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि सूर सागर में 125,000 पद थे, पर अब तक लगभग 5-6 हज़ार पद ही प्राप्त हो सके हैं। इसमें सूर की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपियाओं के साथ बिहार, गोपियाओं के बिहार आदि का बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यह सागर ही है। यही ग्रंथ सूरदास की कृति का आधार है। अगला काव्य है सूर श्रावली। यह सूर सागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित है। सूर सागर की भांति इसमें भी भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। अगला है साहित्य लहरी।
118 पदों का संग्रह है। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में भाव विभोर होकर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, इसीलिए इनकी कविता का भाव पक्ष बहुत प्रबल है। भाव के साथ ही कला पक्ष का भी सुंदर सहयोग हुआ है। आगे जान लेते हैं, बिहारी ने किस राजा के पास अपना दोहा लिखकर भेजा था और वह दोहा क्या था? उन दिनों प्रोण महाराज जय सिंह ने एक अल्पवयस्क से नया नया विवाह किया था और राजकाज में विमुख होकर रात दिन उसकी विलास लीला में डूबे रहते थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने निम्नलिखित दोहा उन पर पहुंचाया था। नहीं प्राग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वह पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। यही नहीं, उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी का निधन हो गया। अगला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय लिखिए। तो इनका जीवन परिचय है, आधुनिक हिंदी काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म आजमगढ़ जिला के अंतर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर संवत 1865 को सनाड़ परिवार में हुआ था। सनाड़ परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित भोपालनाथ उपाध्याय था। आपकी घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। नॉर्मल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप मीडियल स्कूल में अध्यापक हो गए। इनके बाद इन्होंने कानूनगो तथा रजिस्ट्रार पदों पर कार्य किया। सरकारी नौकरी से अवकाश के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य करते रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य वाच स्थापित की उपाधि से आपको विभूषित किया गया तथा प्रिय प्रवास महाकाव्य पर आपको मंगल प्रसाद परितोषित प्रदान किया गया। सन 1845 में हरिऔध जी का निधन हो गया। अगला है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि साहित्य का प्रमुख विधाएं प्रसाद जी की लेखनी स्पर्श से कंचन बन गए। सभी विधाओं के प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का सृजन किया। प्रसाद जी द्वारा लिखित ग्रंथों के रूप में हिंदी साहित्य को अनमोल निधि प्राप्त हुई। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं काव्य कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। इनमें से कमायनी बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास तथा कहानियों में क्या चित्रण किया है जिसके कारण ये कलम के सिपाही कहलाए? तो जान लेते हैं, प्रेमचंद जी ने अपने विभिन्न उपन्यासों और कहानियों में किसानों, मजदूरों, दलितों, बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष में, विपक्ष में, सेवा सदन निर्मला, प्रेम श्रम, रंगभूमि, क्रम भूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यासों तथा मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए और कलम के सिपाही कहलाए। आप अपने जीवन के कठिन परिश्रम एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए देश और समाज की सेवाओं में लगे रहे। 8 अक्टूबर 1936 को प्रातःकाल वे हमेशा के लिए सो गए। लास्ट है, बाबू गुलाब राय की साहित्य में क्या स्थान है? तो बाबू गुलाब राय जी आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार एवं मर्मज्ञ समालोचक रहे हैं। द्विवेदी युग से लेकर सन 1963 तक आप सतत लेखनत रहे, नवीन लेखकों को सदैव प्रोत्साहित करते रहे। आपने अपनी बहुमूल्य रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया।
हिंदी निबंध के हास्य स्वैंग की शिष्ट और प्रकृष्ट शैली का आपने ही प्रवर्तन किया है। हिंदी के निबंधकारों में आप विशिष्ट स्थान रहते हैं। आगे अति लघुतरीय प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? सेवा सदन, निर्मला प्रेमाश्रम, रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यास। सूरदास की जीवन परिचय, तो सूरदास का जीवन परिचय इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में संवत 1535 में यानी कि 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को सूरदास का जन्म स्थान बताता है। सूरदास अंधे थे, कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं, वे आँख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। अगला है, महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो रचनाएँ कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यमा तथा दीपशिखा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जीवन परिचय है, हिंदी में ओजस्वी राष्ट्र काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ। आपने अनेक शासकीय पदों पर कार्य किया, हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1974 में आपका स्वर्गवास हो गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यह शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 28 दिसंबर 1921 को विश्व भारती को सौंपते हुए रविंद्रनाथ ने कहा, यह एक ऐसा है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए आपसी भाईचारे एवं शांति को आवश्यकता बताया। गाँव की उन्नति के लिए खेती बाड़ी एवं पशुपालन के उन्नत तरीकों को अपनाने एवं तस्करी के विकास पर बल दिया। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का क्या नाम था? मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था। हमारा जनगण मन अधिनायक जय है किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि कृति में। प्रेमचंद जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? प्रेमचंद जी ने मर्यादा तथा माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को काशी नागरिक प्रचारिणी सभा से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कौन कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? काशी नागरिकी प्रचारिणी सभा में आचार्य तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन से वाचस्पतित है। बाबू गुलाब राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? साहित्य संदेश का। धन्यवाद इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए। ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।